बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का फिजिक्स क्लास 9 सेकंड लास्ट चैप्टर टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। An object will be in equilibrium if its state of rest or uniform motion remains unchanged। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो ज्यादा रेस्ट पे तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये थी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं। इक्विलिब्रियम की बेसिकली दो टाइप्स हैं जी। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी translational equilibrium if it is at rest or moving with constant velocity। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे या फिर मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये थी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को फर्दर टू टाइप्स में आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया। एक है स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा जी डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसको कहेंगे जी स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट
then it will be in static translational equilibrium. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल में आप देखेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल के आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, या कोई भी चीज है वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो उस रेस्ट में है, इसको ये एग्जांपल है स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. आप देखें जी कि डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है. डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर एक बॉडी है जो मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस इक्विलिब्रियम उस हम उसको कहेंगे डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. उस इक्विलिब्रियम को कहेंगे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं पैराट्रॉपिक एग्जांपल से ले लेते हैं, तो इस एग्जांपल से देखते हैं अ बॉडी इज मूविंग विद constant speed or constant velocity, then it is said to be dynamic translational equilibrium. इसके एग्जांपल में आप देखते हैं पैराट ऊपर एक वो फॉल और डाउन कर रहा है ऊपर से नीचे तक किस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यदि पैराट ऊपर इसके एग्जांपल है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है. ये थी कि हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम उसकी दोनों टाइप्स, यानी कि पहली टाइप कौन सी थी स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरी टाइप थी डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, जो नेक्स्ट टाइप है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. If a body is at rest or moving with constant angular velocity, अगर एक body for example rest पे है या फिर move कर रही है कि किसी angular constant angular velocity के साथ, तो उसको हम कहेंगे कि rotational equilibrium. Definition देख लेते हैं. A body said to be in rotational equilibrium if it is either at rest or moving with constant angular
वेलोसिटी, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, एंगुलर वेलोसिटी है इसकी। तो अब बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसके सब टाइप्स आ गए, जिस तरह रोटेशनल इक्विलिब्रियम की थी, स्टैटिक और डायनामिक इसकी भी आ गए, स्टैटिक रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम और रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम इसकी भी आ गए। सब टाइप्स हैं जी, उनको डिस्कस करते हैं पहले। स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरी टाइप है वो है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स सेड टू बी इन स्टैटिक रोटेशनल किसी पिवट पॉइंट पे ये लोग सीस आ रहे हैं, रेस्ट पे है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि इसमें मूव करना ही ऊपर से नीचे, लेकिन स्टिल मैच रेस्ट पे है, ये वाला होगा स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट कनेक्ट इज सेड टू बी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इट इज सेड टू बी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल में wheel is rotating about its axis, about its axis. यानी कि कोई भी wheel है जो rotate कर रहा है constant velocity के साथ, angular constant angular velocity के साथ,
ये इसकी एग्जांपल होगी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इफ अ बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट्स आइदर इन रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसके सब टाइप्स हैं एट रेस्ट वाली जो टाइप है उसमें आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको कह सकते हैं और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जो वो उसमें आप कह सकते हैं डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया जैसे कि एक सीसा की एग्जांपल ली जो स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की थी और देन उन्होंने एक व्हील की रोटेटिंग व्हील की जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये इसकी एग्जांपल है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Conditions of equilibrium के कौन सी conditions हैं जो fulfill होंगी जो पूरी होंगी तब हम कह सकते हैं कि body completely equilibrium position में है। बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं समेशन f = 0 यानी कि जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उस बॉडी पे। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ है इसको दो फोर्सेस लग रही हैं एक वो नीचे की तरफ फोर्स लग ग्रेविटी की और एक नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है। ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं जो वेक्टर सम इसका होगा समेशन f = 0 होगा। यदि फर्स्ट कंडीशन में कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी जीरो। अगर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी दूसरी कंडीशन इसमें आप कैसे देंगे वेक्टर सम ऑफ जैसे कि मैंने आपको कहा है जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है जो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है वो फोर्स करवाती है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी जीरो। यस की दूसरी डेफिनेशन को देख लेते हैं सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी वेलोसिटी इंटरैक्शन इज इक्वल टू sum of torques acting
on a body in anti-clockwise direction. यानी कि अगर आप वेक्टर सम दें, यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स जो एक्ट कर रहे किसी भी बॉडी पे वो इज इक्वल टू 0. इसमें आप कह सकते हैं कि समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0. या फिर इसके दूसरे में जो है सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहां पे ये सीधा की एग्जांपल आप ले लेते हैं, ये जितना भी टॉर्क यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनक्लॉकवाइज डायरेक्शन वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे. दैट्स व्हाई के हमारे पास समेशन टाउ इज इक्वल टू 0. यानी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी 0. ये था जो हमारा आज का लेक्चर इक्विलिब्रियम के रिलेटेड. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोगों के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.